आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाइमिसेप दोषों के बारे में। टेबलेट जाइमिसेप दोषों के बारे में पूरी जानकारी देंगे हम। तो फ्रेंड वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड वीडियो जाइमिसेप को टेबलेट दोस्तों 200 ये लुपिन कंपनी का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। और हम लोग जानते हैं लुपिन का सभी प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन इसीलिए जाइमिसेप 200 टेबलेट का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो फ्रेंड जानेंगे इसका कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड इसका जो कंपोजिशन है, इसका है सेफिक्सिम कंपोजिशन है, और ये आपको पर टेबलेट में 200 mg सेफिक्सिम मिल जाएगा। पर टेबलेट में 200 mg सेफिक्सिम आपको मिल जाएगा। ये 10 टेबलेट में आता है, 10 10 टेबलेट का एक स्ट्रिप होता है। ये आपको यहाँ पर दे सकते हैं, एक स्ट्रिप में आपको 10 टेबलेट मिलेगा। ये किसी भी आपके नियरेस्ट मेडिकल शॉप या ऑनलाइन अवेलेबल है। तो फ्रेंड मैं सजेस्ट करूँगी ये इसको आपके नियरेस्ट मेडिकल शॉप से खरीदे, क्योंकि ये जेनरिक होने के कारण आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड जानते हैं इसका डिटेल से, इसका विस्तार से, इसका यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड पहले बता दूँ, ये CDH1 का ड्रग्स है, इसलिए इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत खरीदिए। तो ये क्यों दिया जाता है, इससे पहले जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस दिया हुआ है 99 रुपीज़ के आपको मिल जाए किसी भी आपके नियरेस्ट मेडिकल शॉप से या ऑनलाइन अवेलेबल से। तो फ्रेंड ये सिफिक्सिप एक एंटीबायोटिक है, तो इसलिए ये जाइमिसेप 200 टेबलेट भी एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। तो फ्रेंड ये एंटीबायोटिक टेबलेट कब लिया जाता है, जब आपको किसी तरह की इन्फेक्शन हो जाए, जैसे जैसे कानों की इन्फेक्शन, या आपको फीवर हो जाता है, या आपको निमोनिया हो जाता है, आपको ड्राई काफ हो रहा है, तब भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपकी कहीं पे बॉयल्स आ जाता है, या आपकी कहीं पे रैश आ जाता है, या चामड़ों में कुछ चर्म स्किन में कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे कि रैश आना, बॉयल्स आना, या कहीं पे आपको काट हो जाता है, किसी भी कारण से आपको कहीं भी चोट लग सकता है, इसके कारण ब्लड निकल रहा है, उस टाइम में भी इसके एंटीबायोटिक के रूप में इसको दिया जाता है। इसके अलावा जब आपके एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट में दर्द होता है, तब भी इसको एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है, इन्फेक्शन के हटाने के कारण। इसके अलावा फ्रेंड ये आपको जब कहीं पे आपको बर्न हो जाता है, आपको कहीं चोट लगता है या कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कैंडिडा या फिर बॉयल्स, इस तरह के इन्फेक्शन में इसके एंटीबायोटिक के रूप में इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड ये था इसका यूज़। आप जानते हैं इसका डोज़ के बारे में। तो फ्रेंड इसका जो नॉर्मली डोज़ होता है, ये एक टेबलेट दिन में 2 बार इसको दिया जाता है, खाने के बाद सुबह और शाम को। फ्रेंड ये इसका डोज़ था। तो जानते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड इसका जो साइड इफेक्ट है, इसका नॉर्मली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन कभी कभी इसका भी साइड इफेक्ट नज़र आता है, जैसे कि आपको नेजिया होना, मतलब नेजिया या वोमिटिंग, मतलब कभी आपको उल्टी हो सकती है या उल्टी जैसे लग सकते हैं, इसका नॉर्मली साइड इफेक्ट ये आता है। और इसके अलावा कभी कभी आपको हेडेक हो सकता है, मतलब सर में दर्द हो सकता है। ये था फ्रेंड इसका साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा हो। अगर अच्छा लगता है तो फ्रेंड जरूर मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।